दोस्तों कभी भी हम किसी भी आईपी को पिंग करते तो रन में जाकर उसकी कमांड लिखते हैं और इसको जैसे ओके कर दिया तो ये कमांड ये पिंग होना शुरू हो गया। लेकिन ये करंट के लिए है, जो गूगल डीएनएस को पिंग कर रहा हूँ मैं करंट के लिए है, इसका कोई रिकॉर्ड सेव नहीं रहता, ये इसका ये सेव नहीं था। मेरा एक पिछला वीडियो जिसमें मैंने सेव करने का तरीका बताया था जिसमें सेव हो जाता है लेकिन डेट एंड टाइम मेंशन नहीं रहता, लेकिन आज का जो तरीका है वो लेटेस्ट है, इसमें डेट एंड टाइम मेंशन रहेगा और ताकि आपको बाद में एनालिसिस करने में आसान रहेगा कितने टाइम पे सही मिला था, कब सही मिला था और कब सही नहीं मिला था, उसमें डेट एंड टाइम दोनों मेंशन रहता है। तो कैसे करते हैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, विंडो के स्टार्ट मेन्यू में चलेंगे, विंडोज 10 7 सभी में हो जाता है ये, स्टार्ट मेन्यू में जाकर लिखेंगे विंडोज़, देखिए विंडोज़ पावर सेल करके आ रहे हैं ऊपर, इसको राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर आना है, एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर मोड में विंडोज़ पावर सेल ओपन हो चुका है। अभी ये जो ओपन हो चुका है ये सी के अंदर विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 के अंदर चल रहा है, जो भी हम कमांड चलाएंगे तो इसके अंदर सेव होगा सिस्टम 32 के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें अंदर कोई फाइल ना सेव हो, क्योंकि जब पिंग रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ सेव हो जाएगा। तो इसको इससे बैक चलते हैं, बैक चलने के लिए लिखेंगे cd... लिख के एक बार एंटर मारेंगे तो एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, दोबारा cd... लिखेंगे और एंटर मारेंगे एक स्टेप और पीछे आएगा, मैं सी ड्राइव के अंदर आएगा। कभी अभी जो हम कमांड कर चलाएंगे इसके अंदर तो सी ड्राइव के अंदर चलेगा वो, और सी ड्राइव के अंदर फाइल सेव होगा। तो जो कमांड लिखना है इसके अंदर वो कमांड मैंने नोटपैड में बना रखा है, ये कमांड आप कॉपी कर लीजिए, इसको आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ मिल जाएगा और कमेंट में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट को आप फॉलो करिए। और ये जो कमांड है इसके अंदर दो चीज़ चेंज करने वाला है, एक तो है जो 32 बिट का आईपी एड्रेस है, जो आप जिस आईपी का पिंग करना चाहते हो वो चेंज कर लीजिए इसमें, और लास्ट में उसका नाम है पिंग विद डेट एंड टाइम, जिस नाम से आप सेव करना चाहते हो उस नाम से आप सेव कर लीजिए। कभी भी कोई नया आईपी डालेंगे तो नाम थोड़ा चेंज कर दीजिए आगे पीछे, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कौन सा फाइल का नाम है। इसको कॉपी कर लीजिए कमांड को, विंडोज़ पावर सेल में चलेंगे, इसका माउस की राइट क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, इसके बाद एंटर दबाना है, एंटर दबाएंगे तो नीचे कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो गया, इसका मतलब कमांड सही है, चल गया है, ये ओके है और ये सेव हो रहा होगा। और अगर एरर आता है यहाँ पे कोई 3-4 लाइन का एरर आ जाता है, कुछ बहुत से एरर बता देता है, इसका मतलब कमांड सही नहीं है। चलेंगे कंप्यूटर के सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर पिंक विद डेट एंड टाइम नाम का एक टेक्स्ट फाइल बना हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए इसे डेट एंड टाइम के साथ ये पिंग हो रहा है और गूगल का DNS का IP पिंग हो रहा है, कितना मिलीसेकंड कितना टीटीएल सब कुछ बता रहा है, इसमें बीच में ब्रेक होगा वो भी बता देगा और सही चलेगा तो अभी बताएगा। तो जो भी रिकॉर्ड होगा यहाँ होगा, क्लोज कर देता हूँ। देखिए 1 KB का फाइल मैं पहले खोला था, अभी 6 KB का हो चुका है फाइल, मतलब रिकॉर्डिंग चालू है, जितना देर रिकॉर्डिंग होता रहेगा ये समय बढ़ता रहेगा, तो ये क्या फाइल साइज बढ़ता रहेगा। ये अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता है, आप कितना देर पर कमांड रन करते रहेंगे तो फाइल साइज बढ़ता रहेगा, रिकॉर्ड होता रहेगा, जब भी कमांड को क्लोज करेंगे तभी ये फाइल टर्मिनेट हो जाएगा और वहाँ तक कमांड चलेगा। देखिए विंडोज पावर सेल में दोबारा आ गया, कंट्रोल सी दबाऊंगा तो ये कमांड एंड हो गया, ये ख़त्म हो गया, यहाँ तक कमांड चला।